नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन पर टिकी हैं और G20 समिट से गुड न्यूज ही गुड न्यूज आ रही है और ये तमाम गुड न्यूज टुडे आपको बता रहा है। केवल अच्छी खबर ही नहीं आ रही, अच्छी तस्वीरें भी आ रही। खबर जो अच्छी खबर है वो दिल को सुकून देती है और जो अच्छी तस्वीरें हैं वो आंखों को सुकून दे रही है और ये दोनों ही चीजें हम आपके लिए समेट कर लाए हैं अपने इस खास बुलेटिन में। शुरुआत हम कर रहे हैं उन 7 तस्वीरों के साथ जिनमें आज दिन भर का निचोड़ शामिल है G20 समिट का। एक तरफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आज जो मेहमान हैं हमारे, दिन भर विश्व मंथन करने के बाद इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित डिनर में हिस्सा ले रहे हैं, स्वादिष्ट पकवानों का, स्वादिष्ट जायकों का स्वाद ले रहे हैं। इसके अलावा साथ ही साथ वो सुकून देने वाली तस्वीर, आंखों को सुकून देने वाली, दिल को सुकून देने वाली, आत्मा को सुकून देने वाली वो तस्वीर भारत मंडपम से सामने आ रही है। शानदार लाइटिंग यहां पर की गई है, भव्य और दिव्य नजारा देखकर सबका मन ये हो रहा है कि भाई फटाफट पहुंच जाएं भारत मंडपम। लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं है, इसलिए आप टीवी पर ही इस दिव्य नजारे को देख सकते हैं। और ये 7 तस्वीरें बता रही हैं कि आज पूरे दिन कैसे अच्छी खबर, अच्छी तस्वीर और शानदार डिनर इन 7 तस्वीरों में सिमटा हुआ है और यही हम आपको बता रहे हैं इन 7 तस्वीरों के माध्यम से। दिव्य लाइटिंग, भारत मंडपम का सुंदर नजारा और इसके जरिए भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की परंपरा, भारत का संस्कार, भारत का खान पान, भारत का रहन सहन, इसकी छाप दुनिया को दिखाने की कोशिश की गई और उसमें भारत कामयाब रहा। न केवल अपनी सांस्कृतिक छाप छोड़ी बल्कि कूटनीतिक कौशल भी आज दिखाया। इन 7 तस्वीरों के माध्यम से पूरे दिन का निचोड़ हमने आपके सामने रख दिया। अब हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। अमित, सबसे पहले तो कूटनीतिक कौशल, उसके बाद दिल्ली डिक्लेरेशन, खुशखबरी एयू का शामिल होना, इकोनॉमिक फॉर्म का बनना और रात होते होते शानदार डिनर। और बात शुरुआत हम अपनी डिनर से ही करेंगे। इस डिनर में तमाम मेहमान पहुंच चुके हैं, जो जायका उनको आज मिलने वाला है वो भी भारत का स्वाद ही उनको देगा। बिल्कुल अनंत, देखिए हमने कई सारे आज जीत के स्वाद चखे हैं दिन में, कूटनीतिक जीत। और ये सिर्फ भारत की जीत नहीं है, G20 में समन्वय की जीत नहीं है, बल्कि जो ग्लोबल साउथ है उसके लिए भी बहुत बड़ा फल है, क्योंकि उनके लिए विकास के कई सारे रास्ते दरवाजे यहाँ से खुलेंगे। और अगर हम डिनर पे वापस आते हैं तो देखिए, भारत अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है और सिर्फ भारत ही क्यों, जब हम आम नागरिक भी, हमारे घर पे कोई भी व्यक्ति आता है तो हम अपनी जो कैपेसिटी है उससे बढ़ चढ़ कर अपने मेहमानों का स्वागत में तमाम जो चीजें संभव होती है वो करते हैं। और खान पान तो हमारी विशेषता है और यही वजह है कि आज जब तमाम अंतर्राष्ट्रीय मेहमान जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो राष्ट्रपति के गाला डिनर में आए हैं तो उनको भारत की छाप, जो डाइवर्सिटी की छाप है, जो कल्चरल हेरिटेज है हमारा और उसमें छुपा हुआ जो जायका है वो सब कुछ देखने को मिलेगा, थाली में सजा हुआ मिलेगा। यानी कि एक संपूर्ण भारत की तस्वीर गाला डिनर में भी देखने को मिलेगी। अनंत, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो तमाम मेहमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित शानदार डिनर में पहुंच चुके हैं, जायकों का, भारतीय व्यंजनों का स्वाद ले रहे हैं। और भारतीय व्यंजनों में भी आपको बता दें कि खास तौर से श्री अन्न का इस्तेमाल किया गया, यानी कि आज जो भी मेन्यू है डिनर का उसमें श्री अन्न यानी मिलेट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो G20 के ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बने भारत मंडपम की भव्य तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और यकीन जानिए तस्वीरें ऐसी हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम किसी स्वर्ग का नजारा देख रहे हैं। जो स्वर्ग लोक की कल्पना हम अपने जहन में करते हैं वैसा ही नजारा कुछ आज भारत मंडपम का नजर आ रहा है, जहां पर दिन में आज बैठक हुई, विश्व मंथन हुआ, कूटनीतिक चर्चाएं हुई और शाम होते होते पूरी की पूरी तस्वीर बदल गई और इस समय वहां पर शानदार डिनर चल रहा है और बाहर का ये जो खूबसूरत नजारा है वो दिल को सुकून दे रहा है, आंखों को सुकून दे रहा है, भारत की भव्यता को दिखा रहा है।
सतरंगी रोशनी में छिपे ये वो रंग हैं, जिसमें न केवल एक खूबसूरत एहसास है बल्कि वो सुकून जो किसी का भी दिल जीत लेने वाला है। रंग बिरंगी रोशनी से झांकता ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का वो संसार है जिसे भारत मंडपम का नाम दिया गया है। मेहमानों के स्वागत में इसे कई दिन पहले से सजा दिया गया, लेकिन आज जब इसके मंच पर देश और दुनिया के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी है तो ये मानो अपनी खूबसूरती और रोशनी से आसमान को भी पुकारना चाहता है। मंडपम के बाहर मौजूद 27 फीट ऊंची नटराज की प्रतिमा भारत की सांस्कृतिक ताकत का प्रतीक है, जिसने शून्य और शिखर के बीच संसार को भाव और भंगिमाएं बताई है। वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र वाक्य को आज इसी रंगीन रोशनी और मंडपम की छत के नीचे हिंदुस्तान G20 के तले साकार कर रहा है, जिसकी गवाह बन रही है दुनिया की महाशक्तियां और वो लोग जो ये जानते हैं कि हिंदुस्तान की चमक उसके संस्कार, संस्कृति और जीवन के उन रंगों से गढ़े हैं जिसमें एक दूसरे के लिए प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, जो मेरा मन कह रहा है वही आपका भी मन कह रहा होगा इन तस्वीरों को देखने के बाद कि एक बार देखें तो लगता है कि टक भर टकटकी लगाए देखते रहें, एक तक इसको देखते रहें, पलक भी ना झपकाएं। तो आगे की मैं बात करूं, आगे के G20 समिट की जो बड़ी बातें हैं वो आपको बताऊं, उससे पहले मैं अपनी टीम से कहूंगा कि एक बार फिर से इन तस्वीरों को प्ले कर दें, एक बार फिर से इन तस्वीरों को दिखाएं, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं, आंखों को सुकून देने वाली हैं। नटराज की 27 फीट की प्रतिमा अष्ट धातु से इसका निर्माण किया गया है और भारत का दर्शन इसमें शामिल है। अब बात कर लेते हैं इस भारत मंडपम की। 123 एकड़ में फैला हुआ यह भारत मंडपम का विशाल प्रांगण और इसके पीछे जिस इमारत को आप देख रहे हैं वहीं पर आज G20 समिट की शुरुआत हुई है। आज पहला दिन था, कल दूसरा दिन है, दो सेशन आज हुए थे, एक सेशन कल आयोजित होगा। अब बात करते हैं कि भारत मंडपम का जो विचार है, जो दर्शन है, ये भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर का ही हिस्सा है। भगवान बसवेश्वर का जो जो मंडपम का उनका कॉन्सेप्ट था, उसी को अनुभव मंडपम उसको कहा जाता है, उसी के आधार पर, उसी को आधार बनाकर भारत मंडपम का निर्माण किया गया, इस विशाल प्रांगण का निर्माण किया गया। उस समय भी भारत में वो दर्शन चलता था कि जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं समाज से जुड़े, उन पर विचार करने के लिए बुद्धिजन आए, सुधिजन आए और वो लोग आकर उन पर विचार करें, उन पर मंथन करें, समस्याओं का समाधान खोजें। और यही सोच इस भारत मंडपम में भी प्रदर्शित होती है, यही सोच इस भारत मंडपम में भी झलकती है, जिसका निर्माण किया गया इसी सोच के साथ और आज परिलक्षित ये हो रही है G20 समिट में। तो चलिए, ये तो बात हुई तस्वीरों की और भारत मंडपम की, अब जरा नजर डाल लेते हैं उन बड़ी बातों पर जो आज दिन भर का निचोड़ रही है। अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिली। बड़ी बात इसमें यह है कि भारत ने इसकी पहल की थी, भारत ने इसका प्रस्ताव किया था जिस पर सभी देशों ने सहमति प्रकट की और अल्टीमेटली अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बन गया। इसके अलावा और कौन सी बड़ी बात है यह भी आपको बता देते हैं। पीएम मोदी ने औपचारिक ऐलान किया था AU के G20 में शामिल होने का, बकायदा उन्होंने घोषणा की। घोषणा करने के बाद जो AU के अध्यक्ष इस बैठक में शिरकत करने पहुंचे हैं उन्हें बताया गया कि वो अपने आसन पर आकर बैठे, लेकिन आसन पर आके बैठने से पहले AU अध्यक्ष को गले लगाकर उनका स्वागत किया पीएम मोदी ने। और उस समय की जो तस्वीरें थी वो वाकई दिल को छूने वाली थी, क्योंकि उनकी खुशी की झलक उनके चेहरे पर थी। नई दिल्ली डिक्लेरेशन का भी ऐलान हुआ, उस पर सहमति का ऐलान किया गया। तमाम इफ्स एंड बट्स थे इस डिक्लेरेशन को लेकर, क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन इन तमाम अटकलों पर विराम लग गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नई दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में घोषणा की। 37 पन्नों का है ये घोषणा पत्र और खास बात यह है कि सबने इस पर सहमति जताई है, इस घोषणा पत्र पर सबने सहमति जताई है। तो ये वो तमाम अहम बातें थी जिसको लेकर आज काफी हलचल रहा, काफी कौतूहल रहा G20 समिट में। 37 पन्नों का एक साझा घोषणा पत्र जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद घोषणा की थी। भारत ने मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी का ऐलान किया, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई जिसमें मिडिल ईस्ट भी शामिल होगा जो यूरोप तक जाएगा, इसमें अमेरिका भी शामिल होगा और इसको लेकर भी
तमाम तरह की उम्मीदें एक नई भविष्य को लेकर जागृत होती हैं। इसके अलावा और अगली महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा। फ्यूचर अलायंस जिसमें कि ग्रीन बायोफ्यूल अलायंस भी इसके तहत लॉन्च किया जाएगा और कोशिश यह है कि जलवायु का जो संकट है उससे निपटा जा सके। भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे इसके फाउंडिंग मेंबर। एक बड़ी अहम बात यहां पर यह भी देखने को मिली। तो पूरे दिन का निचोड़ हमने इन पॉइंटर्स में आपको समझा दिया, जो G20 समिट के पहले दिन का पूरा निचोड़ था, अहम बातें थी वो आपके सामने आ गई। तो भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों के डिनर का खास दस्तरखान बिछा हुआ है। इस दौरान तरह तरह के व्यंजन परोसे जा रहे हैं। दुनिया के दिग्गजों के लिए कौन कौन से खास व्यंजन तैयार किए हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं मशहूर शेफ संजीव कपूर। जितना सारा मेन्यू है, जाहिर सी बात है इंडियन फ्लेवर्स हैं उसके अंदर, जिस चीज के लिए हम फेमस हैं उसको बताया, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा इंटरनेशनलाइज, उसको अंतरराष्ट्रीय बनाने के लिए उसको इस तरह से किया जाता है। और ये अक्सर ऐसा हमेशा दिया जाता है ताकि फेमिलैरिटी आए, कोई भी चीज में फेमिलैरिटी जो है वो आनी बहुत जरूरी होती है। तो हमने देखा मिलेट्स के साथ में चीजें हैं मेन्यू के अंदर, एक कटहल हमारे यहाँ पे जो जैक फ्रूट है वो बहुत ज्यादा आजकल हेल्थ के लिए काफी उसकी बातें हो रही हैं। जो आप पान देख रहे हैं, तो पान जो है वो हमारा मतलब परंपरा रही है, लेकिन उसको कि पान आपने बाद में खाना है, राइट, थोड़ा मीठे की तरह से खाना है, तो उसके साथ में चॉकलेट कमीशन, बहुत इंटरेस्टिंग सारी चीजें हैं। मुंबई वालों के लिए खुशखबरी कि मुंबई के पान, लेकिन अगेन मिलेट्स का जोर है मेन्यू के अंदर। तो आई वुड से अलग अलग चीजें, लेकिन उसमें थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मैजिक। आई थिंक चाहे वो अगर हम कहें दही बल्ला है, लेकिन अगर वो मिलेट्स के साथ आप करते हैं तो थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाता है, नया हो जाता है, और खाने के अंदर ऐसा ही होता है। और G20 जैसी चीजें जब होती हैं, जब दुनिया की नजर होती है, दुनिया आपके यहाँ पर होती है, तो आप खाना उसी तरह का प्रिपेयर करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेन्यू जो है उसमें फ्लेवर्स इंडियन रखे हैं, लेकिन जो टेक्निक्स हैं वो इंटरनेशनल रखे हैं। जैसे अगर हम पहले बात करें कि अगर हम फॉक्सटेल मिलेट की बात कर रहे हैं, उसकी अगर हम क्रिस्प बना रहे हैं, कोई भी चीज का खस्ता बना सकते हैं, जैसे पापड़ी बनाते हैं, राइट, अगर आपने दही पापड़ी बनानी है, राइट, तो पापड़ी मैदे से बनती है, लेकिन आप पापड़ी फॉक्सटेल मिलेट की बना सकते हैं, उसके आटे से बना सकते हैं, उसको जब फ्राई करेंगे तो क्रिस्प हो जाएगी। दही को आप ऐसे ही सर्व करने से उसके स्फीयर बना सकते हैं, टेक्निक है वो, राइट। एक बहुत बड़े स्पैनिश शेफ है फेरान आद्रिया, जिन्होंने बहुत साल पहले शुरू की थी, तो स्फीयर बनने शुरू हो गए थे, तेल के भी स्फीयर बनते हैं, लोग चाट के में दही के स्फीयर बहुत सालों से कर रहे हैं, तो नयापन उसके अंदर आएगा। थोड़ा सा एक ही मतलब दही ऐसे फैलाव की बजाय एक गोला सा बन जाता है, स्फीयर बन जाता है, सारे टेस्ट उसमें दिखने में अच्छा हो जाता है, और फिर आप उसको जब खाते हैं तो सारे स्वाद उसके अंदर आ जाते हैं। तो उसके साथ में जो स्फीयर है उसी में आप चटनी भी दही के साथ में कर सकते हैं, एक कर सकते हैं। तो आई थिंक इंग्रीडियंट्स, फ्लेवर्स इंडियन, टेक्निक्स काफी ज्यादा इंटरनेशनल भी करी, और ये इंडियन शेफ्स बहुत अच्छा काम करते हैं, और जितना मेन्यू मैं सारा देख रहा हूँ बहुत बहुत बढ़िया बना है। आप देखें तो इंडिया, भारत, भारत की अलग अलग जगहों से इंग्रेडिएंट सोर्सिंग हुई है और भारतीयता इसके अंदर आए, लेकिन जो पूरी दुनिया से जब लोग आते हैं तो उनको डर नहीं लगना चाहिए। डर का मतलब कई बार क्या होता है कि ये हमें समझ नहीं आ रहा, ये जो चीजें हैं हमारे, हम खाएं या नहीं खाएं, बातें कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कंसेंसस चाहिए किसी भी चीज में तो उसमें अपनापन दिखना चाहिए। तो इसमें मैं कहूंगा जो स्वाद है और जो पूरी भारतीयता उसमें दिख रही है, और उसके साथ में जो उसकी प्रेजेंटेशन है उसमें उसको अंतरराष्ट्रीय तरीके से किया गया है, तो जो फ्रेश ऑफ ब्रेथ एयर है, तो उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से अलग से दही के साथ में एक तरह से की चाट हो गई। उसमें अगर हम देखें तो एक तो चावल जो है केरला का माटा राइस इस्तेमाल किया है, वहीं अगर डेजर्ट पे जाएं, मीठे पे जाएं हम, तो वहां पे इलायची हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, तो बानियार्ड मिलेट
के साथ में, जो सामो बोलते हैं, समक सामो बगर भी, तो छोटी मिलेट होती है, उसकी खीर या फिरनी, उसको दूध के साथ में पका के और उसको ऊपर से पीच और फिग, मतलब जो अंजीर और पीच को पका के, थोड़ी सी उसी की चीनी के साथ में, अलग से कुछ मीठा डालने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा काट के अगर पानी के साथ पकाएंगे तो उसका कंपोत बन जाता है। तो शेफ संजीव कपूर को भी आप सुन रहे थे, जो तमाम माइन्यूट डिटेल्स इन जायकों के बारे में बता रहे थे। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। कुणाल, जो मेन्यू सामने आया है भाई, उसको देखकर हमारे मुंह में तो पानी आ गया, आपका पता नहीं, लेकिन बात कर लेते हैं इस मेन्यू को लेकर ही। देखिए, दिन में कूटनीतिक कौशल के जरिए दिल जीता और अब पकवान के जरिए दिल जीतने की कोशिश है। वो कहते हैं ना, टॉपिंग अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है, या हिंदी में कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो आज पूरे दिन कूटनीतिक और जो राजनीतिक गतिविधियों का दौर चला और आखिरकार जो मेन्यू आया है उसमें बहुत सारे ऐसे व्यंजन बनाए गए हैं जिसमें भारतीयता को देखने का मौका मिलता है। तो एक तो मिलेट पे ज्यादा जोर था और दूसरा कि आपका जो आत्मा तृप्त तभी होती है जब अच्छा खाना हो, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कूटनीति का ही हिस्सा है। बेहतर तरीके से मेहमान नवाजी और साथ ही साथ विश्व की जो समस्याएं हैं उन पर बातचीत, उन पर मंथन, ये मकसद था G20 का। बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि जिस तरीके से पहले अफ्रीकन यूनियन को शामिल में, तो ये तमाम चीजें बड़ी कामयाबी। और उसके बाद ये भव्य आयोजन, भोज का आयोजन जो राष्ट्रपति महोदया ने दिया, दिन खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुणाल। कूटनीतिक कौशल की बात हमने कर ली, अहम बातें हमने बान की बात हो गई। अब भाई जब खाई आप जाते हैं किसी में तो आप अपनी पोशाक को भी बड़े ध्यान से, पोशाक का भी विश्लेषण होता है आपके रहन। तो भारतीय जो मशहूर फैशन डिजाइनर हैं रीना ढाका ने राष्ट्रपति विदेशी मेहमानों की ड्रेसिंग को लेकर विश्लेषण किया है। उन्होंने अपनी अक्षता मूर्ति के कपड़ों की खासी तारीफ की। अभी ऋषि अर्लियर चॉइसेस मैंने देखी हैं और यस, मैं उनकी स्टाइल एक बहुत क्लीन लाइन एलिगेंट स्टाइल है। अभी वो कपड़ा चूज करती हैं उसके पीछे थॉट है, चाहे वो के लहंगा जैसे स्कर्ट के जैसे पहन रही हैं, तो वो ये यंग लोग हैं, येट दे रनिंग अ कंट्री एंड दे आर सीरियस एंड द कलर चॉइसेस आर सो नाइस। आई मीन हैट्स ऑफ टू हर फॉर पुलिंग दिस ऑफ, इट्स लुक, आई मीन लुक इट केट, आई थिंक शी हरसेल्फ इज स्कोरिंग वेरी हाई इन हर। सच में उन्हें देख के बहुत खुशी लग रहा है कि वो एक्चुअली हमारे इंडियन ओरिजिन से हैं। सही होगी हमारे टेक्सटाइल्स की, हमारे यू नो क्या लग रहा है मुझको, तो लहंगा यहाँ पर से या स्कर्ट और ऊपर का ब्लाउज है जो कोई भी बना सकता है, पर इंडिया स्टोरीज, मॉडर्न इंडिया जिसको कहते हैं। मुर्मू के परिधान पर भी फैशन डिजाइनर रीना ढाका ने टिप्पणी की है और साड़ी पर एक शानदार बुनकर की छाप है। जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने उल्टा एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ब्यूटीफुल ब्लू, इस ब्लू का एक नाम है मेरे को बस याद नहीं आ रहा, जो एक ट्रेंडिंग नाम है, वो ब्लू का ये वीवर के हाथ का एक जो साड़ी पहना है, कॉम्प्लीमेंट्स टू द वीवर, बिकॉज ये बहुत मेहनत की साड़ी है, मुझे दिख रही है नीचे बॉर्डर में बूटे भी हैं, शायद पैटर्न है। तो सबके कपड़ों को देख के बिल्कुल दिल खुश हुआ है, कितनी परफेक्ट प्रेजेंटेशन, स्लिक है। IMF प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जिया के परिधान पर भी फैशन डिजाइनर रीना ढाका ने कहा है कि ये परिधान भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति का सुंदर समन्वय है। और लेडी थी उन्होंने, आपकी डिग्निटरी, उन्होंने ब्लैक पैंट्स के साथ एक
प्लेन ग्रीन ब्राइटेस्ट ऑफ सिल्क का एक सिंपल जैकेट पहना, बट वो बहुत इफेक्टिव लगा मुझे। जो जकार्ता के प्रीमियर की वाइफ हैं, उन्होंने जो एक एलिगेंट इंडियन टाइप ऑफ इजी फिट कहते हैं का एक वेरेबल एम्ब्रॉयडर्ड आउटफिट जो पहना है, वो इनफैक्ट शादियों पे जो हमारी ग्रैंड ओल्ड लेडीज होती हैं वो काफी पहनती हैं इस स्टाइल को। तो खुशी है कि जकार्ता में भी ये अब एक ट्रेंड बनेगा, इंडोनेशिया में भी लोग ऐसे पहनेंगे। देखिए, मेहमानों का स्वागत तो सभी करते हैं, लेकिन भारत में जिस तरीके से मेहमानों का स्वागत किया जाता है वो अद्भुत है, वो अप्रतिम है। भारत मंडपम में रात्रि भोज के लिए पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वागत किया। इस दौरान वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और इसके बाद वहां बैकग्राउंड में लगी नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर के बारे में जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल पूछा, जिसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में जानकारी दी। इस दौरान राष्ट्रपति बाइडेन बहुत उत्साहित नजर आए। वैसे आपको बताएं कि आज दिन भर में यह दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अहम जानकारियां साझा की हैं, उन तस्वीरों के बारे में, उन चिन्हों प्रतीकों के बारे में जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। दिन में जब राष्ट्रपति जो बाइडेन आए थे भारत मंडपम में, जब स्वागत सत्कार किया जा रहा था बारी बारी से सभी राष्ट्र अध्यक्षों का, उस समय जो पीछे प्रतीक चिन्ह था वो था कोणार्क चक्र। उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तार से उनको बताया था, जानकारी दी थी। वहां पर थोड़ी देर रुके थे राष्ट्रपति जो बाइडेन और वहां पर तमाम जानकारियां पीएम मोदी ने उनको उपलब्ध कराई थी, दी थी कोणार्क चक्र के बारे में। और शाम में जब वो पहुंचे हैं डिनर करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोज में शामिल होने के लिए, तो नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर वहां पे पीछे लगी थी और इसको लेकर भी कुछ दिलचस्पी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिखाई और उनकी जितनी जिज्ञासाएं थी इस तस्वीर को लेकर उनको पूरा किया। उन जिज्ञासाओं से जुड़े सवालों के बारे में तमाम उत्तर, तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर विस्तार से बताई और काफी देर वहां रुकने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर आगे बढ़ गए। तो G20 का भव्य आगाज हो चुका है। भारत भविष्य की चिंताओं के मद्देनजर दुनिया को न केवल दिशा दिखा रहा है बल्कि समाधान के लिए नया नजरिया भी दे रहा है। वैश्विक चुनौतियों को लेकर भारत का नजरिया दक्षिण में दुनिया में संभावनाओं का नया सूत्र गढ़ेगा। विकसित और विकासशील देशों के बीच आपसी साझेदारी और दुनिया के दूसरे देशों के लिए मानवता के मापदंड पर रिश्तों का नया विश्व मंच तैयार हो रहा है। जीतने का यह अंदाज सिर्फ हिंदुस्तान ही दुनिया को सिखा सकता है, साथ ही ये भी कि दुनिया में हुकूमत करने का हुनर सिर्फ दिमागी फितरत नहीं बल्कि वो दस्तक है जिसे दिल में देकर किसी को अपना बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यही कर दिखाया। G20 समिट में वन अर्थ से जुड़े सत्र की शुरुआत से पहले जब उन्होंने अफ्रीकन यूनियन के देश की स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव रखा और सभी सदस्यों की सहमति का ऐलान किया। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकन यूनियन के सदस्य को उनके लिए तयशुदा जगह पर बैठने की गुजारिश की, जिसके बाद अफ्रीकन यूनियन के प्रतिनिधि शुक्रिया करने के अंदाज में पीएम मोदी की तरफ बढ़ चले और ये देख प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके पास पहुंच गए और फिर उन्हें गले लगा लिया। ये तस्वीर हिंदुस्तान की उस ताकत का आईना है जिसे अब दुनिया के तमाम मंचों पर महसूस किया जा रहा है। ये उसकी कूटनीति की कामयाबी के किस्सों में जुड़ा देखा जा रहा है। ये लाजमी है क्योंकि भारत की भूमिका साझा प्रयासों के लिहाज से कितनी अहम है और मानवता के साथ मूल्यों के लिए समर्पित है। इस पर मुहर दुनिया के दिग्गज लगा रहे हैं।
वैसे G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत और उसकी अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ अफ्रीकन यूनियन के प्रतिनिधि को स्थायी सदस्य बनवाकर अपनी उदारवादी नीति का मुजाहिरा किया है, बल्कि दिल्ली घोषणा पत्र पर भी सदस्य देशों की सहमति बनाकर G20 की प्रासंगिकता की नई परिभाषा गढ़ डाली है। इस प्रस्ताव के तहत सम्मेलन में दो प्रस्ताव पर मोहर लगवाकर हिंदुस्तान की सोच का आईना एक बार फिर दुनिया को दिखाया है और ये बताया है कि दुनिया की तमाम चिंताओं के बीच सभी देशों का सम्मान और उचित स्थान न केवल संगठन के लिहाज से अहम है, बल्कि बदलते दौर में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए जरूरी भी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए अपने शेरपा अमिताभ कांत समेत उन तमाम सदस्यों का इस मौके पर धन्यवाद भी दिया। एक खुशखबरी मिली है, हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडप्ट करने की घोषणा करता हूं। इन दोनों प्रस्तावों की बदौलत हिंदुस्तान ने दुनिया में अपनी बढ़ती ताकत की एक नई लकीर खींची है, जिसे अब उसका पड़ोसी चीन भी देख रहा है। साथ ही वो तमाम दूसरे देश जो यकीनन भारत से रिश्तों की नई डोर जोड़ना चाहते हैं। तो भारत का कूटनीतिक कौशल आज दुनिया ने देखा, चाहे वो अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना हो या फिर दिल्ली डिक्लेरेशन की बात हो, भारत की संस्कृति और भावना के विस्तार की तस्वीरें भी G20 के मंच से दिखाई दे रही हैं। साथ ही दिख रहा है महाशक्तियों की मौजूदगी के बीच भारत की वैश्विक स्वीकार्यता और दूरदर्शिता का वो अध्याय दुनिया को नई राह दिखाने वाला है। साथ ही विश्व मंच पर भविष्य के भारत की धमक, जिसमें मानवता सबसे ऊपर है, सबसे अहम है। तभी तो दुनिया की फिक्र को देखते हुए इस समिट में कई ऐसे अहम प्रस्ताव भारत की तरफ से पेश किए गए जिससे दुनिया सहमत नजर आई। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। G20 समिट में दिल्ली में जुटे दिग्गजों का स्वागत प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इसी अंदाज में किया। महाशक्तियों के मेले में मंथन के लिए वो मुद्दे रहे जिनसे समूची दुनिया जूझ रही है, फिर चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, आर्थिक चुनौतियां या फिर आतंकवाद। तभी तो समिट की अगुवाई कर रहे भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने इन संकटों और इनके समाधानों का प्रस्ताव दोनों दुनिया के सामने रख दिए। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। ये सच है, आधुनिकता के दौर में विकास की होड़ जिस तरह से लगी है उसने असुरक्षा की भावना भी भरी है, टकराव को बढ़ाया है, मानवता को भी चुनौती दी है। भारत की सोच, उसका नजरिया इस वैश्विक संकट को आपसी तालमेल और बातचीत से हल करने का है।
तभी तो पीएम मोदी ने जब पहले सत्र वन अर्थ में दुनिया के दिग्गजों को ये बताया कि आधुनिकता के साथ जीवन को सरल और सहज बनाने के प्रयोग भारत में शुरू हो चुके हैं, चाहे वो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत हो, प्राकृतिक खेती पर देश की किसानों की निर्भरता। ये सपना सब देखें, इसीलिए इस पहल को आगे बढ़ाते हुए समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया और सभी को इससे जुड़ने की अपील की गई। इस विस्तार की दूसरी कड़ी वन फैमिली के सत्र में सुनाई दी, जब पीएम मोदी की एक और बड़ी पहल जिसमें G20 ने दिल्ली घोषणा पत्र को पास किया। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया के नेतृत्व को जिन बातों पर सहमत किया उनमें बड़े मुद्दे थे। सशक्त, सतत, संतुलित और समावेशी विकास, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तेजी से प्रगति, सतत विकास के लिए हरित विकास समझौता, 21वीं सदी में दुनिया के बहुपक्षीय संस्थानों का गठन, इसमें कई मसौदे आपसी समझौतों रिश्तों के लिहाज से बड़ी दूरियां मिटाने में मददगार होंगे। डिक्लेरेशन दैट द लीडर्स हैव अग्रीड ऑन टुडे फोकसेस ऑन प्रमोटिंग स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। It envisages a green development pact for a sustainable future. वैश्विक संकट और उसकी जरूरतों को समझते हुए साझा प्रयासों से विकास के रास्ते पर चलने की ये वो मुहिम है जिसमें सिर्फ G20 के देश ही नहीं बल्कि दूसरे देश भी पीछे नहीं रहे। It has been very clear in our mind that we should ensure that no one is left behind in our pursuit of global solutions. So we have endeavored to support countries, especially those from the global south. 10 सितंबर को भी वैश्विक जरूरतों, उसकी चुनौतियों और समाधान पर चर्चा चलेगी जिसमें उम्मीदों के नए दरवाजे खुलेंगे, जिसकी पहल एक बार फिर भारत ही करेगा। शुरुआत धमाकेदार रहा तो दूसरा सत्र शुरू होते होते ये मालूम चल गया कि नई दिल्ली G20 कामयाबी की नई मिसाल कायम कर गया है। पहले सत्र की शुरुआत में बतौर अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की घोषणा की, तो दूसरे सत्र की शुरुआत नई दिल्ली डिक्लेरेशन को आम सहमति के साथ पास कराने से शुरू हुआ। कैमरामैन आलोक दास के साथ कुमार कुणाल, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो अभी तक दुनिया भारत के वैश्विक दर्शन के बारे में पढ़ती थी, देखती थी, लेकिन अब समझ भी रही है और यही समझ पूरी दुनिया को भारत के इस वैश्विक दर्शन के मंच पर भी लेके आ रही है। G20 समिट की इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ी सफलता भला और क्या होगी।